क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी का, सर हरदोई की शाहबाद सीट की अगर हम बात करें, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, बावजूद उसके 2017 में भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की, अब 22 में क्या समीकरण समझ में आ रहे हैं? देखिए, 2022 का इलेक्शन बड़ा रोचक इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर जो मुस्लिम और यादव फैक्टर है वो काफी कुछ प्रभावी ढंग से दिख रहा है। और आपको बता दें कि लगभग 23% यानी 76,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, और जबकि यादव वोटर्स भी लगभग 44,000-45,000 के आसपास हैं। ये दोनों जातियां, ये दोनों जो MY फैक्टर है, ये पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका झुकाव है। लेकिन एक बात जो रह जाती है वो बहुजन समाज पार्टी की, नो डाउट रजनी तिवारी मजबूत चेहरा है और मुखर है महिलाओं के लिए, और उनकी छवि भी अच्छी है, और विकास के मुद्दे में भाजपा सरकार ने काफी कुछ काम जो भी वादे किए थे वो कमोबेश पूरे भी हो चुके हैं। और अब बारी उन मुद्दों की जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरदोई की शाहबाद सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। और शाहबाद सीट का पहला बड़ा मुद्दा है विकास, जिसे लेकर इलाके के कई काम हुए लेकिन तमाम काम ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं कि होने चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा सड़क का है, जिसे लेकर कई सारे काम हुए हैं। वहीं तीसरा मुद्दा आवारा पशुओं का है, जिसकी वजह से इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। शाहबाद की भाजपा विधायक रजनी तिवारी का दावा है कि उन्होंने इलाके में विकास के लिए बड़े काम करवाए, जबकि सपा नेता आसिफ खान बब्बू का कहना है कि सेवा भाव के सारे 2022 में वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जनता ने विश्वास किया, मैंने अनेकों काम क्षेत्र में थे उनको करवाया, जैसे कि अभी मैंने आपको गिनवाया कि भी की शाहबाद आंझी रेलवे ओवरब्रिज। हाँ, अभी हमारे वकीलों की एक मांग है कि मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हो जाए, और जब तक मैं जीवित हूँ राजनीति करती रहूँगी, तो महिलाओं के और बच्चों की प्राथमिकता है हमारे लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वास्थ्य के को ध्यान में रखते हुए, मैंने शाहबाद में स्वास्थ्य और शिक्षा को देखते हुए भी कई काम वहाँ पे करवाए हैं। सेवा ही धर्म होता है, इंसान अगर सच्चे दिल से इंसान की सेवा करता है तो वहाँ पर सारी जातियाँ सारी बिरादरियाँ निपट जाती हैं। सिर्फ हमको सिर्फ और सिर्फ ना कोई बिरादरी दिखती है ना कोई धर्म दिखता है, हमको सिर्फ इंसान दिखता है, और इंसान समझ के ही इंसान की हम सेवा किया करते हैं। उसका ये नतीजा है कि जब से हम लोग राजनीति कर रहे हैं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं।